Hello scholars, once again welcome to the Indian PhD Mantra. So आज हम discuss करने वाले हैं what is H index and more importantly हम बात करेंगे how it is calculated. ठीक है, हमने इसके पहले already एक video upload किया हुआ है regarding the impact factor कि impact factor क्या होता है और वो किस तरीके से calculate होता है. तो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, उसका हमने लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप यहाँ पे आई बटन से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एच इंडेक्स इज एन ऑथर लेवल मैट्रिक. ठीक है ना, ये एक ऑथर लेवल मैट्रिक है दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर बोथ. है ना, देखिए क्या होता है, एच इंडेक्स में हम दो पैरामीटर को मेजर करते हैं. तो एच इंडेक्स अटेम्प्ट्स टू मेजर बोथ, मतलब दो पैरामीटर. और कौन से दो पैरामीटर, तो दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट. कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या है और हर एक आर्टिकल कितनी बार यहाँ पे साइट हुआ है. अब देखिए, जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी का, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मीन्स नंबर ऑफ रिसर्च पेपर. कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिसर्च स्कॉलर, ठीक है ना, कोई रिसर्च स्कॉलर है, उस रिसर्च स्कॉलर का कितना पेपर उसने लिखा है और हर एक पेपर कितनी बार साइट हुआ है, इन दोनों का कोरिलेशन है एच इंडेक्स. तो एच इंडेक्स इज नथिंग बट दिस कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट. ये बात कहता है डेफिनेशन. ठीक है ना, ये अब हमारा डेफिनेशन. अब क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को एक सिंपल वर्ड में अंडरस्टैंड करते हैं. सो इन सिंपल वर्ड, एच इंडेक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच. ठीक है ना, एच का मैक्सिमम वैल्यू सच दैट द गिवन ऑथर और जर्नल हैज पब्लिश्ड एच पेपर. है ना, नंबर ऑफ पेपर दैट हैव ईच. है ना, हर एक पेपर, हर पेपर. है ना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ईच पेपर, तो कितने पेपर्स और हर एक पेपर कितनी बार साइट हुआ है कम से कम. ठीक है ना, तो कोरिलेशन है पेपर्स का और उन पेपर्स के साइटेशन का. ठीक है, तो एक पेपर वो कितनी बार साइट हुआ, दूसरा पेपर वो कितनी बार साइट हुआ, कैसे, तो यहाँ पे हमको लेना है मिनिमम. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको क्या करते हैं एग्जांपल के साथ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड. तो देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्रोफेसर एक्स है और ये प्रोफेसर एक्स का आपको यहाँ पे दिया है डेटा. तो ये रिसर्च पेपर है इनके, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर एक्स ने 1 to 6 रिसर्च पेपर लिखे हैं और यहां पे हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम साइटेशन. ठीक है ना, कि नंबर ऑफ टाइम साइटेड. तो देखिए, अगर आप जाते हो पेपर 1 to पेपर 6, तो पेपर 1 ये साइट हुआ है 12 टाइम्स, पेपर 2 ये साइट हुआ है 10 टाइम्स, पेपर 3 ये साइट हुआ है 8 टाइम्स, पेपर 4 ये साइट हुआ है 6 टाइम, पेपर 5 ये साइट हुआ है 5 टाइम्स, बट वेयर एज पेपर 6 ये साइट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स. तो देखिए, जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या करता है, वो कोरिलेट करता है नंबर ऑफ पेपर्स को और नंबर ऑफ साइटेशंस को. तो वो कहता है कि कितने पेपर्स कितनी बार साइट, मतलब जैसे जैसे आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, मतलब आपका रिसर्च पेपर का काउंट बढ़ता जाएगा, वैसे आपका साइटेशन भी क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए. ओके, सो देखिए यहाँ पे इस केस में, ठीक है ना, तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ पे इस केस में हम आपका जो एच इंडेक्स है वो हो जाएगा 5. कैसे, तो देखिए जो पेपर 5 है वो 5 टाइम साइट हुआ है. ठीक है ना, अब अगर एच इंडेक्स को 6 करना है, ठीक है ना, अगर आपको एच इंडेक्स को 6 करना है तो उसके लिए क्या होगा, इस रिसर्च पेपर 6 को कम से कम 6 बार साइट होना चाहिए और ये उससे ज्यादा चाहिए. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपके रिसर्च पेपर हैं, ठीक है ना, जितने रिसर्च पेपर हैं उससे ज्यादा आपको चाहिए यहाँ पे साइटेशंस. तो यहाँ पे देखिए, इन दिस केस रिसर्च पेपर 5 ये 5 टाइम साइट हुआ, फिर पेपर 4 है वो 6 टाइम साइट हुआ, मतलब प्रीवियस पेपर क्या है, तो करंट पेपर से ज्यादा बार साइट हुआ है. तो यहाँ पे मैक्सिमम पेपर 5 और मिनिमम साइटेशन 5, तो इसलिए एच इंडेक्स क्या हो गया आपका 5. अब अगर इसको 6 करना है तो क्या होगा, रिसर्च पेपर कम से कम, रिसर्च पेपर 6 ये मिनिमम 6 टाइम यहाँ पे साइट होना चाहिए. तो अगर आपका रिसर्च पेपर 6
सिक्स टाइम्स हाइट होता है तो ये एच इंडेक्स हो जाएगा सिक्स, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा कोरिलेशन है, ठीक है। तो हमारे जो ये लेक्चर्स के लिंक हैं या जो पीडीएफ हैं या जो स्लाइड्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन सबको एक्सेस कर सकते हो। उसका भी लिंक हमने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।